Hello friends, let's move to another important topic, and today we are going to discuss cot curve. Okay, now first of all, what is cot curve? We are well familiar. Suppose we have a double stranded DNA, and of course when we will hitch, after hitting, the hydrogen bonds present in these two strands will start breaking, and the result of this is this double stranded DNA will denature. The process is called denaturation, correct? And after hitting, denaturation takes place, and this double stranded DNA will get converted into two single stranded DNA, breaking all the hydrogen bonds present between the nitrogen bases, correct? Nitrogen bases ke beech mein jitne bhi hydrogen bonds hai wo break ho jayenge, and double stranded DNA do single stranded DNA mein convert ho jayenge. We call this as denaturation. But suppose hum log isi solution ko cool karne ke liye rakhe, okay, to automatically we are well familiar, this DNA on cooling will show renaturation, and again the two single stranded DNA will come close and forming what? A double stranded DNA. Now this is what? Denaturation, and this is renaturation, correct? But there is an observation of scientists that suppose this DNA has more amount of repetitive DNA or repetitive sequences. Repetitive sequence ka matlab wahi wahi sequence फिर से रिपीट हो रहा है. ह्यूमन जीनोम, हमारा जो डीएनए, हमारा जो जीनोम है वो रिपीटेटिव है. इसमें कई ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो कुछ कुछ इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होते हैं. कुछ इंटरवल हुआ फिर से रिपीट हुए, कुछ इंटरवल हुआ फिर से रिपीट हुए, ओके? तो ऑल डीएनए इज हाईली रिपीटेटिव. बट ये जो भी डीएनए है या जीनोम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इसमें भी रिपीटेटिव डीएनए ज्यादा है कि यूनिक और सिंगल कॉपी डीएनए ज्यादा है. यूनिक मीन्स जो फिर से रिपीट नहीं हुए. सिंगल कॉपी सीक्वेंसेस मींस जो फिर से रिपीट नहीं हुए. एंड मोस्टली इनर डीएनए, इफ दिस इज अ डीएनए, वी आर वेल फैमिलियर इन यूकेरियोट्स, अगर इस डीएनए में यहां पे एक जीन है तो डेफिनेटली इसी स्ट्रैंड में यू हैव अनदर जीन. बट इन बिटवीन दिस टू जीन्स, जीन वन एंड जीन टू, इन बिटवीन दिस टू जीन्स we have big junk DNA, correct? And mostly जो repetitive sequences होते हैं वो mostly junk area में ज्यादा होते हैं. Why? This doesn't mean that all junk will be repetitive, okay? सब junk में repetitive होगा ऐसा नहीं है, clear? But जो आपके gene है, in genes में फंक्शनल regions में जनरली रिपीटेटिव sequences काफी कम होते हैं. दे आर यूनिक, एंड दैट्स द मेन रीजन व्हाई cot curve और cot analysis केम इन टू एक्सिस्टेंस. सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑन हिटिंग denatures टू फॉर्म टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑन कूलिंग दे विल रीनेचर. बट इफ इट इज हैविंग रिपीटेटिव sequences, कोई ऐसे 15 टू 20 न्यूक्लियोटाइड या कभी कभी इवन 4 न्यूक्लियोटाइड के भी कोई ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो कंटिन्यू रिपीट होते हैं कुछ कुछ इंटरवल के बाद. एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसे रिपीटेटिव डीएनए जल्दी से रीनेचर हो जाते हैं एज कंपेयर टू यूनिक डीएनए, ओके? एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन cot curve और cot एनालिसिस, ओके? तो एक्चुअली cot एनालिसिस क्या है? cot एनालिसिस इज अ टेक्निक बेस्ड ऑन the principles of DNA reassociation kinetics, in which the DNA will renature, that measures how repetitive DNA, okay, is in a DNA sample or genome. And what we are going to do, we are going to heat the sample, because of that it will denature, and on cooling, what we are going to measure, we are going to measure the amount of रीनेचुअर डीएनए एट सक्सेसिव टाइम इंटरवल. मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद कितना डीएनए रीनेचुअर हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑफ कोर्स टेंपरेचर विल गो ऑन डिक्रीजिंग,
तो डिक्रीजिंग इस टेम्परेचर में या विद टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा कितना डीएनए आपका रीनेचुर हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन गॉट कर्व। ओके, हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड्स का लैम्डा मैक्स, ओके लैम्डा मैक्स द वेवलेंथ विच इट विल एब्सॉर्ब मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स इज 260। ओके, 260 नैनोमीटर का लाइट न्यूक्लिक एसिड सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं, डीएनए हो चाहे आरएनए, ओके, बट दे एब्सॉर्ब मोर एट 260 नैनोमीटर बिकॉज दैट इज देयर लैम्डा मैक्स। एंड इन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 260 नैनोमीटर का लाइट कम एब्सॉर्ब करता है एज कंपेयर टू सिंगल स्ट्रैंडेड। तो अगर मेरे पास एक सोल्यूशन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और दूसरे एक सोल्यूशन में दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो वी आर वेल फैमिलियर कि बीइंग सिंगल स्ट्रैंडेड, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दे विल शो मोर एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर का लाइट जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, व्हाइल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल शो लेस एब्जॉर्बेंस। ओके, द रीजन इज कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट इनवर्ड्स इनसाइड and they are completely enveloped by the phosphodiester backbone. But जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो आपके नाइट्रोजन बेसिस एक्सपोज हुए और एक्चुअली 260 नैनोमीटर पे जो एब्सॉर्ब कर रहे वो आपके नाइट्रोजन बेसिस। And that's why what do we need is we can easily measure, we are using this technique that is spectroscopic technique to measure the amount of double stranded or single stranded DNA in a particular DNA sample. कितना denatured है और कितना renatured, that we can measure. Okay, अभी आप लोगों को यहां पे दिख रहा है, हम लोगों ने यहां प्लॉट किया है the percentage of single stranded DNA. That is absorbance at 260. इसको भी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं. Reason, अगर आपका पूरा 100% DNA, okay, suppose this is 100, मैं यहां 100 लिखता हूं percentage. 100% DNA अगर आपका, okay, single stranded है, मतलब completely denatured DNA, like this. करेक्ट, नाउ इसको हमने कूल करने के लिए रखा, तो वी आर गोइंग टू यहां पे अगर हम लोग टाइम प्लॉट करें, कर सकते हैं हम लोग यहां पे इसके जगह टाइम भी प्लॉट कर सकते हैं, तो टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्योंकि सॉल्यूशन कूल होगा तो धीरे धीरे इट विल रीनेचर और परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज टाइम विल मूव फॉरवर्ड। करेक्ट, बट परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कम हो रहा है तो फिर ये यहां पे क्या बढ़ता जा रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। करेक्ट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का परसेंटेज विल गो ऑन डिक्रीजिंग। अगर हम लोग यहां जीरो लिखे तो हम लोग एग्जैक्टली इसके उल्टा यहां भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहां हम लोगों ने प्लॉट किया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल गो ऑन इंक्रीजिंग, बट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्यों कम हो रहा है, द रीजन इज वेरी सिंपल, that DNA is again renaturing and अगर ये highly repetitive sequence है तो it will renature earlier. जितने भी इस DNA में okay repetitive sequences होंगे वो जल्दी जल्दी renature होंगे, you can see here these are the highly repetitive sequences जो जल्दी से renature हो जाएंगे with time, okay, तो बहुत बार repeat हुए we also call it HR, that is highly repetitive sequences, okay. Of course कुछ देर बाद मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जिनको हम लोग MR कहेंगे, मॉडरेटली रिपीटेटिव बिकॉज़ वो बहुत ज्यादा हाईली रिपीट नहीं हुए हैं, मॉडरेटली रिपीट हुए हैं, मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए जो है ओके वो थोड़ी देर बाद ओके आपको दिख रहा है उनका जो रीनेचुरेशन ये है टाइम है वो थोड़ा सा ज्यादा है, हाईली रिपीटेटिव एकदम कम टाइम में पटाफट ये हो गए, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस जो बहुत बार आपके डीएनए में रिपीट हुआ है तो इट विल रीनेचुर अर्लियर। ओके, लेकिन जो मॉडरेटली रिपीटेटिव है जिनको हम लोग MR से इंडिकेट कर रहे हैं दे विल टेक मोर टाइम फॉर रीनेचुरेशन, वो थोड़े स्लोली रीनेचुर होंगे, और सबसे आखिरी में आपको दिख रहा है जो यूनिक और सिंगल कॉपी है सीक्वेंसेस, ओके क्लियर, यूनिक सीक्वेंसेस एंड दे विल रीनेचुर लास्ट, इनको SLC इंडिकेट किया जाता है बिकॉज दे आर सिंगल कॉपी सीक्वेंसेस। ओके, तो ये यूनिक या सिंगल कॉपी सीक्वेंसेस विल रीनेचुर क्वाइट लेटर, ओके दे विल टेक मच मोर टाइम। तो अगर हमने यहां पे टाइम भी प्लॉट किया तो भी कम टाइम किनको लगा, हाईली रिपीटेटिव, दे मॉडरेटली रिपीटेटिव,
और फिर सबसे ज्यादा टाइम लगा है आपकी यूनिक सीक्वेंसेस को, ओके, सिंगल कॉपी सीक्वेंसेस को, करेक्ट, दिस इज द, दे विल टेक मोर टाइम, ठीक, एंड दैट्स व्हाई एब्जॉर्बेंस एट 260 सबसे ज्यादा कौन दिखाएंगे, जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे, और जैसे जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते जाएंगे, एब्जॉर्बेंस एट 260 विल गो ऑन डिक्रीजिंग, विच टाइम इट विल डिक्रीज, बट इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग टाइम हियर, हम लोग यहां पे कॉट प्लॉट करते हैं, लॉग ऑफ कॉट, ओके, कॉट क्या है, कॉट में CO रिप्रेजेंट्स, ओके, डीएनए कॉन्सेंट्रेशन विच इज इन मोल्स पर लीटर, तो एक्चुअली जो COT कॉट है उसमें CO जो है वो एक्चुअली C0 है, बट वी कॉल इट CO, ओके, CO मींस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर डीएनए, ओके, आपके पास कितना डीएनए अवेलेबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डीएनए है, ओके, तो इट विल डेफिनेटली हैव मोर रिपीटेटिव, अगर उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ज्यादा है तो इट विल शो मोर फास्ट रीनेचुरेशन, CO दैट इज डीएनए कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, ओके, एंड रीनेचुरेशन टाइम मतलब उसके रीनेचुरेशन के लिए कितना टाइम है, वो टाइम हम लोग क्लियर इन सेकंड्स में हम लोग उसको मेजर करते हैं, तो एक्चुअली कॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, CO इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए इन मोल्स पर लीटर, एंड टी इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीनेचुरेशन, CO इनटू टी, इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग ओनली टी वी मस्ट प्लॉट लॉग ऑफ कॉट, दैट विल बी अ बेटर थिंग, बट कॉट वैल्यू एक और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है और वो है बफर फैक्टर, रीजन आपने डीएनए को जिस सोल्यूशन में रखा है उस सोल्यूशन में बफर है टू स्टेबिलाइज डीएनए टू कीप द डीएनए इन गुड कंडीशन, करेक्ट, और बफर बोला तो बफर में एनायंस और कैटायंस होंगे, एंड इसमें स्पेशली जो कैटायंस है ये कैटायंस, कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस, ओके, ये कैटायंस आपके डीएनए में जो फॉस्फेट्स रहते हैं उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं, बिकॉज फॉस्फेट्स आर नेगेटिव चार्ज एंड दीज कैटायंस आर पॉजिटिव चार्ज, तो आपके डीएनए के फॉस्फेट का कितना इंटरेक्शन हुआ है कैटायंस के साथ, ये भी डिपेंड करता है कि आपका डीएनए का रीनेचुरेशन कितना फास्ट होगा या कितना कम होगा, क्या कितना स्लो होगा, ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस कॉट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दीज थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ओके, नाउ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस रीनेचुर एट लोअर कॉट, लोअर कॉट क्यों, रिपीटेटिव डीएनए लोअर कॉट क्यों बोला, क्योंकि उनके टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, तो डेफिनेटली टाइम कम लगेगा तो कॉट की जो वैल्यू आएगी वो भी कम आएगी रिपीटेटिव सीक्वेंस के लिए, ठीक है, देखो इधर CO T और बफर फैक्टर, सपोज बफर फैक्टर दो सॉल्यूशंस के लिए हमने एक ही जैसे बफर रखे, दो डीएनए हैं दोनों के लिए एक ही जैसे बफर रखे, दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो अब जो वैल्यू होगा वो क्या है T, जिसका रिपीटेटिव डीएनए होगा उसमें टाइम कम लगेगा और जिसका रिपीटेटिव नहीं होगा यूनिक होगा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ऑन दैट बेसिस ये टी की वैल्यू जिसके लिए कम लगेंगी उसकी कॉट वैल्यू कम आएगी, कॉट वैल्यू अगर कम आएगी मींस इट विल शो व्हाट लोअर कॉट वैल्यूज, कौन लोअर कॉट वैल्यूज दिखा रहा है, द रिपीटेटिव डीएनए लोअर कॉट वैल्यूज देन यूनिक, क्योंकि यूनिक में यू हैव ओके यूनिक सीक्वेंस, यूनिक सीक्वेंस है रिपीट नहीं हुआ है तो वो ज्यादा टाइम लेगा टी बढ़ जाएगा, ओके, और टी की वैल्यू ज्यादा आएगी तो कॉट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, तो याद क्या रखना है दैट इफ यू विल हैव रिपीटेटिव डीएनए तो यू विल हैव लो कॉट वैल्यूज, तो यूनिक डीएनए में यू विल हैव हाई कॉट वैल्यूज, करेक्ट, नाउ अदर देन दैट नाउअडेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, प्रैक्टिकली एक नई टर्म अभी आई है एंड दैट इज cot half, this is cot half, instead of cot it is cot half, cot half का मतलब क्या, CO तो अपना DNA का concentration है, T के जगह मैं T half ले रहा हूं, T half मतलब half the time required for renaturation, अरे अगर आपको repetitive DNA कितना है किसी DNA में वही पता करना है, Why do you wait for this complete renaturation? Even if I will measure half the time required for renaturation,
ओके, तो भी मुझे कितना डीएनए में रिपीटेटिव है और कितना यूनिक है ये पता चल जाएगा. ओके, एंड दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू वेट फॉर द कंप्लीट टाइम फॉर रिनेचुरेशन, यू कैन वेट फॉर ओनली हाफ द टाइम. प्रैक्टिकली ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लुक एट इट, अमाउंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज मेजर्ड यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए शो मोर एब्जॉर्प्शन एट 260 नैनोमीटर देन डबल स्ट्रैंड. एंड नाउअडेज कॉट हाफ that is COT 1 by 2 has replaced COT. Okay? Eukaryotic DNA show more complex COT curve. क्यों? क्योंकि eukaryotic DNA is too big और बहुत बड़ा है, उसमें कई repetitive DNA repetitive sequences है. Result of this is उसका COT जो eukaryotic DNA को काफी बड़ा आता है. Okay? काफी complex COT curve रहता है as compared to prokaryotic DNA. Okay? But चलो पता कर लिया. Okay? के COT की value क्या है? ओके, एंड कॉट की वैल्यू हम लोगों ने यहां प्लॉट की, यहां हम लोगों ने प्लॉट किया है परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और एब्जॉर्बेंस एट 260, क्योंकि परसेंटेज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्बेंस एट 260 इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. कितना 260 नैनोमीटर का लाइट आपका सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा. करेक्ट, बट इससे होने वाला क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज दिस. देयर इज अ टर्म, एक नई टर्म है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉट फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग CF बोलते हैं. कॉट फिल्ट्रेशन इस टेक्निक का काम है कि सेपरेट करना इसको रिपीटेटिव डीएनए फ्रॉम जीन रिच सिंगल कॉपी लो कॉपी सीक्वेंस. सिंगल कॉपी लो कॉपी मींस व्हाट? यूनिक सीक्वेंस. जीन रिच क्यों? क्योंकि सिंगल कॉपी या लो कॉपी सीक्वेंस में ये जनरली सिंगल कॉपी या लो कॉपी या यूनिक सीक्वेंस जनरली कहां होते हैं? जहां जीन है. और रिपीटेटिव डीएनए कहां होते हैं? जहां जनरली जंक है. ओके, दिस डजंट मीन कि सभी जंक में रिपीटेटिव ही है. क्लियर? एंड आपके जीन के अंदर कुछ रिपीटेटिव नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं है. बट मोस्टली इट इज सीन दैट द जंक डीएनए इज मोस्टली मेड अप ऑफ मोस्ट मच ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए. ओके, और मच ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए लाइज इन द योर जंक डीएनए, एंड दैट्स व्हाई जीन इज यूनिक. ओके, तो क्या पता चल जाएगा कितना आपके डीएनए में नॉन कोडिंग रीजन कितना होगा या रिपीटेटिव कितना होगा और काम की चीजें कितनी होंगी. दिस अलाउज डीएनए सीक्वेंसिंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पार्ट्स ऑफ द जीनोम दैट आर मोर इंफॉर्मेटिव. मतलब किस जगह पे जीन्स ज्यादा है डीएनए में, वो क्लियर हम लोग कॉट कर्व से पता कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द कॉट कर्व. And what we are doing a COT analysis. Don't forget the formula to calculate COT. Okay? It will involve DNA concentration in moles per liter and renaturation time mainly. Buffer mein kitne cations hai. Okay? Surrounding solution ka. Clear? Wo bhi, of course, nature bhi uske upar bhi. It will depend. Correct? So, this is all about COT curve. Thank you.